नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे कुकिंग क्लासी चैनल पर। आज मैं आपके लिए क्या हूँ खरबूजे के जूस की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाता है। पीने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। चलो चलते हैं रेसिपी बनाने। खरबूजे के जूस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक खरबूजे ले लिया है, तो यहाँ पे हम इसको काट लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। इसे आप बच्चों को बड़े सब पी सकते हैं इसके जूस को। तो इस तरह से ना मैं सारे एक एक करके, जैसे इसके फाँके का निशान बने हुए हैं ना वहाँ, तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मुस्क मेलन का जो जूस होता है ना बहुत ही हेल्दी, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ये हमारी गर्मियों में हमारी पानी की पूर्ति करता है। तो मुस्क मेलन या तरबूजे, वाटर मेलन, दोनों ही जूस हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका बीज वाला पार्ट है ना, हम बीज को अलग निकाल देंगे और इसको छील छील के हम एक बारीक बारीक से काट लेंगे। ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना है और ज़्यादा मोटा भी हमें नहीं काटना है। तो इस तरह से हम इसे चाकू की सहायता से इसकी अलग अलग इसकी फाँके कर लेंगे और बीज को हटाते हुए इसको छील लेंगे। तो इस तरह से ना बहुत ही जल्दी ये कट जाता है और ज़्यादा मोटा मोटा हमें नहीं छीलना है। बस इसका जो ऊपर का छिलका है पतला पतला वो हम निकाल देंगे। और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जो एक आध बीज था वो मैंने हटा दिए और इसको रख देती हूँ साइड में। और इसी तरह से मैं सारे जो फांके हैं उनको इस तरह से छील के तैयार कर लेती हूँ। और इन बीजों को आप इसकी मैगी भी बना सकते हो। जैसे वो होते हैं ना जन्माष्टमी पे आप इसका पाक बना सकते हो। बहुत सारी ये मीठी सौंठ में डाली जाती है, तो इनको आप धो के सुखा सकते हो और इनको नुका सकते हो। ये भी काम में आती हैं। सारे मैंने छील लिए हैं, तो वेस्ट करने वाली कोई चीज़ भी नहीं है। इनको आप अच्छे से धोएं, कुछ दिन के लिए रखें, फिर उसके बाद धोएं इनको। यहाँ पे बारीक बारीक मैं काट लेती हूँ अपने खरबूजे को, तो हमारी सारी चीज़ें काम ही आती हैं। तो इसी तरह से इसे काट लेना है, मोटा बारीक जैसा काटना चाहें काट सकते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े पीस ना रखें, उसमें थोड़ी पीसने में दिक्कत आती है, इसीलिए मैं थोड़ा बारीक बारीक सा इसे काट रही हूँ। अब देख सकते हैं बहुत ही झटपट ये रेसिपी बनने वाली है और खाने पीने में बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, बहुत ज़्यादा ही हेल्दी होती है। बच्चे बच्चे खरबूजा ना वैसे खाने में थोड़ा चिड़चिड़ापन करते हैं, लेकिन आप इस तरह से बच्चों को जूस बना के दे सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और गर्मियों में क्या होता है कि ठंडी चीज़ों का ही ज़्यादा मन करता है, तो आप कभी खरबूजे का, कभी तरबूजे का, कभी मैंगो, ऐसे अपने बच्चों को नए नए तरीके के मिल्क शेक बना के दे सकते हो, बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आएंगे। तो यहाँ पर मैं ले लिया मिक्सी का जार। अब इसमें डाल देती हूँ मैं अपना खरबूजा जो मैंने काट के तैयार किया है। तो सारे खरबूजे को मैं इसमें डाल दूंगी इसी तरीके से, आप देख सकते हैं सारा खरबूजा डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी शुगर, चीनी। यहाँ पर चीनी डाल देती हूँ, जितना आप मीठा चाहते हैं डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच चीनी लिया है। उसके बाद यहाँ पर ले रही है मैं 1 गिलास दूध। अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं। यहाँ पर हो गया मेरा जूस एकदम बन के रेडी, आप देख सकते हैं। यहाँ ले लिए मैंने सर्विंग ग्लास सर्व करने के लिए। यहाँ मैंने 2 गिलास लिए हैं, दोनों में मैं सर्व कर लेती हूँ अपने जूस को। 1 गिलास दूध और 1 खरबूजे के साथ हमारा 2 गिलास यहाँ पे जूस एकदम बनके रेडी हुआ है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना है, 2 गिलास जूस बैठेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। आप जितना बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग क्वान्टिटी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जूस डाल दिया है। अब मैं डालूँगी यहाँ पर थोड़ी सी आइसक्रीम, बटर स्कॉच, जो भी आपके पास हो आपके घर में आप वो डाल सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में भी यूनिक लगता है और जो हम पीते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, इसका फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है। दो आइसक्रीम डाल दी है, इसके ऊपर थोड़ी सी करेंगे हम इसकी डेकोरेशन। तो डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ काजू बादाम को एकदम बारीक चॉप करके लिया है। आप चाहे तो पीसते टाइम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पीसते टाइम नहीं डाले थे, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने अच्छे से मेरा जूस एकदम बन के रेडी हुआ है। तो आप एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें, आप देख सकते हैं देखने में कितना यूनिक लग रहा है, तो पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरे खरबूजे के जूस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसी को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।